नमस्कार दोस्तों, एमएसडब्ल्यू के टीचर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं एमएसडब्ल्यू के बारे में नए नए वीडियो लेके आता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं जो एडवर्टाइजमेंट आई है, गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट आई है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो रिक्वायरमेंट है उत्तराखंड की है, जो देहरादून में आई हुई है रिक्वायरमेंट, उसके बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन सी वैकेंसी है और इसमें कब अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है, सारी डिटेल मैं बताऊंगा। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। एक लाइक दोगे हमको मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही वीडियो एमएसडब्ल्यू के बारे में लेके आता हूँ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जो वैकेंसी आई है उत्तराखंड देहरादून में, उसके बारे में बात करेंगे। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिटी की वैकेंसी है, रिकवरी प्रोजेक्ट एडिक्शन फाइनेंसिंग, जो आप देख सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 12/8/2019 तक आप इसको इसमें अप्लाई करना है। आपको इसमें 12/8/2019 तक आपको इसमें अप्लाई करना है। सारी डिटेल मैं बताऊंगा और आपको इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो आपको मैं वेबसाइट दिखा देता हूँ, वहाँ जाके आपको एप्लीकेशन फिलअप करनी है फॉर्म के साथ। इसमें आपको एप्लीकेशन फिलअप करनी है फॉर्म के साथ। सारी पोस्ट के बारे में मैं हम बताता हूँ। पहली पोस्ट है प्रोग्राम डायरेक्टर, 1 पोस्ट है, सैलरी है 1,50,000, सैलरी है ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री, इंजीनियरिंग किया होना चाहिए। जॉब कोड आपको देख सकते हैं APD AF। दूसरी वैकेंसी है डेप्यूटी प्रोग्राम मैनेजर, 1 पोस्ट है, लेवल 13A है, मिनिमम इतने सैलरी 60-70,000 से होगी। क्वालिफिकेशन की बात करें, एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर इंजीनियरिंग किया होना चाहिए और आपको इसमें 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। DPM कोड है PBAF। मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट SC/ADR सैलरी, 1 पोस्ट है, BTech किया होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, इसका कोड है MCM। मैनेजमेंट की बात करें, सैलरी इसमें मेंशन नहीं की गई है, 1 पोस्ट है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोजेक्ट के बारे में, और प्रोजेक्ट कोड है AF। जो टेक्निकल एक्सपर्ट की बात करें, 1 पोस्ट है, 1,00,000 सैलरी है, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मास्टर डिग्री की हो चाहिए, MTech की होना चाहिए, PhD जियोग्राफी में की होनी चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोड है CAF। पांचवी पोस्ट है सब्सिडियरी एक्सपर्ट, 1 पोस्ट है, सैलरी की बात करें 80,000 सैलरी है, मास्टर इन जियोटेक की हो चाहिए, आपको 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोड की बात करें SSE AF, जो आप देख सकते हैं। छठी वैकेंसी है स्पेशलिस्ट, 80,000 सैलरी है, PG इंजीनियरिंग क्या होना चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस हो इसमें अप्लाई कर सकता है। कोड की बात करें ERS AF है, जो आप देख सकते हैं। सातवीं वैकेंसी की बात करें, सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट जनरल स्पेशलिस्ट है, 1 पोस्ट है, 80,000 सैलरी है, PG एंड सोशल साइंस की होना चाहिए, MSW विथ मोर 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या 30 साल का एक्सपीरियंस हो तो इसमें अप्लाई कर सकता है। अच्छी सैलरी है, 80,000 सैलरी है MSW की में। कोड की बात करें SCDGS, जो आप कोड देख सकते हैं। आठवीं पोस्ट है मैनेजर ह्यूमन रिसर्च, 1 पोस्ट है, 80,000 सैलरी, MBA HR किया होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए HR के बारे में। कोड की बात करें, जो आप देख सकते हैं, मैनेजर IT है, 1 पोस्ट है, 7,000 सैलरी है, BTech किया होना चाहिए, एक्सपीरियंस की 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोड आप देख सकते हैं एक्सपर्ट IT मीन्स, 2 पोस्ट है, 40,000 सैलरी, BTech
MCA with 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोड आप देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, वन पोस्ट है, 50,000 सैलरी है, BTech है, मास्टर मैनेजमेंट किया होना चाहिए, CEMO AF उसका कोड है। लीगल एक्सपर्ट, वन पोस्ट है, 50,000 सैलरी है, LLB एनी अदर रिलेटेड डिग्री के लो होने चाहिए, 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोड आप इसको देख सकते हैं, LEAF है। आपको ये एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो आप मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ, वहाँ जाके आपको इसमें डायरेक्ट अप्लाई करना है। अदर आपको डिटेल चाहिए, जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, वहाँ जाके कॉल करके आप अदर डिटेल देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।